हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कमेंट आया हुआ था कि क्या अब हम एयरटेल पेमेंट बैंक में एक बार में सिर्फ 2,000 रुपये ही ऐड कर पाएंगे अपने डेबिट कार्ड से, चाहे वो डेबिट कार्ड वर्चुअल हो या फिर फिजिकल हो, एक बार में सिर्फ 2,000 ही रुपये ऐड कर पाएंगे क्या। ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए थे, तो दोस्तों आज मैं प्रूफ के साथ आपको ये बात क्लियर करने वाला हूँ कि क्या आप रियल में 2,000 रुपये ऐड कर पाएंगे या फिर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि INT हिंदी टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले घंटी पर क्लिक कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सच में हम अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से एयरटेल पेमेंट बैंक में सिर्फ 2,000 रुपये ही ऐड कर पाएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि क्या ये सच है या फिर झूठ है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम TMW वॉलेट में आ चुके हैं। यहाँ पर मेरा 6,000 रुपये शो हो रहा है, तो हम TMW का जो कार्ड है उससे हम एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐड करके देखेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि 2,000 रुपये अगर मात्र ऐड होता है तो सबसे बड़े मुश्किल की घड़ी उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा मुफ्त में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार 2,000 करके ऐड करना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो चलिए, हम कोशिश करते हैं 6,000 रुपये एक बार में ऐड करने की। तो हम यहाँ पर कार्ड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो रहा है TMW का। तो ये कार्ड नंबर हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके वहाँ पर कोशिश करेंगे पैसा ऐड करने का। तो चलिए, कार्ड नंबर कॉपी हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एयरटेल पेमेंट बैंक में आ चुके हैं। अब ऐड मनी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना है पास मैसेज आया हुआ है, तो ये मैं मानता हूँ कि आपके पास मैसेज आया है, लेकिन बहुत से ऐसे यूज़र हैं जिनके पास ये मैसेज नहीं आया है और मेरे पास भी ये मैसेज नहीं आया है कि 2,000 रुपये ही हम ऐड कर पाएंगे या फिर उससे ज़्यादा कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से यूज़र का ये मैसेज आया है और उन पर ये लागू हो चुका है कि 2,000 रुपये ही आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से यूज़र को ये मैसेज मिला है और बहुत से यूज़र को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम पहले 3,000 रुपये एंटर करके देखते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 रुपये एंटर हो चुका है, यानी कि ले लिया गया है। दोस्तों, कुछ यूज़र को जिनको मैसेज आया है 2,000 रुपये ऐड सिर्फ करने का, उनको 2,000 ऊपर से नहीं लिया जाता है। जैसे ही वो 2100 या 2500 के आसपास वो डालते हैं, वैसे ही यहाँ पर एरर लिख देता है और वो एरर होती है कि आप सिर्फ 2,000 रुपये ही ऐड कर पाओगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 50,000 रुपये टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पर 50,000 भी ले चुका है, यानी कि अभी 50,000 भी हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, हम TMW वॉलेट के माध्यम से यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड से 6,000 रुपये ऐड करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है और क्या सच में 2,000 रुपये ही एक बार में ऐड होंगे। तो यहाँ पर न्यू कार्ड पे हम क्लिक करेंगे और न्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद TMW का जो कार्ड नंबर है उसे पेस्ट कर देंगे, लेकिन पेस्ट करने पर यहाँ पर कार्ड नंबर नहीं लिया गया है, तो आगे का कुछ डिजिट हम क्लियर करके फिर से डालते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर कार्ड नंबर, CVV नंबर और एक्सपायरी डेट सारा फिलअप कर दिया है। उसके बाद जस्ट पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट जो है प्रोसेस में है। अब देखते हैं यहाँ पर होता है या नहीं या फिर सिर्फ 2,000 ही होंगे एक बार में। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जा चुका है, तो जस्ट हम OTP एंटर करके सबमिट करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है, उसके बाद हमें सिर्फ सबमिट करना है। आज की डेट में आपको बता देता हूँ, 28 अगस्त है, 28 अगस्त 2018 आज की डेट। तो चलिए, हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहां पर 6,000 रुपये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहां पर भी आप देख सकते हैं 10,000 रुपये थे, अभी 16,646 हो गए हैं, 10,646 थे पहले। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि 2,000 से ऊपर आप आसानी से यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐड कर सकते हैं और जिन यूज़र को ये मैसेज आई है कि आप सिर्फ 2,000 रुपये ही ऐड कर सकते हैं एक बार में, वो सिर्फ 2,000 रुपये ही ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि ऐसे मैसेज जो है बहुत कम यूज़र को आई है जो सिर्फ 2,000 रुपये ऐड करने की बात बताई जा रही है उसमें, क्योंकि जो मेरे अगल बगल में बहुत से ऐसे एयरटेल पेमेंट बैंक के यूज़र हैं जिनको ऐसा मैसेज नहीं मिला है।
तो आप यहाँ पर 2000 रुपए से ऊपर आसानी से ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल डेबिट कार्ड हो या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड हो, आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि आप 2000 रुपए से ऊपर आसानी से अभी तक के ऐड कर सकते हो एक बार में। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो डायरेक्ट कमेंट करें। धन्यवाद।